बहुत सारे लोगों को ये भी लगता होगा कि हम कोई खास टाइम या खास चीज ध्यान में रखते हैं और रोज एक ही समय पे एक ही काम करते हैं, तो क्या वो हमारे लिए लकी है? एक्चुअली ऐसी ही चीजें बहुत सारी होती हैं, जैसे कि जब हम घर बनाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें वास्तु के हिसाब से करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, दरवाजा उत्तर नहीं पूरब होना चाहिए, मेन गेट पश्चिम नहीं दक्षिण होना चाहिए। तो ये जो वास्तु है, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को मतलब हमारे लिए क्या ये जरूरी है, ये सब कुछ जानेंगे आज हम रचना से। और रचना भाटिया हो जो कि वास्तु चक्र की एनालिसिस्ट है, मैंने उन्हें भी इनवाइट भेज दिया है, रचना को बस उसे एक्सेप्ट करना है और जैसे वो एक्सेप्ट करेंगी हम दोनों स्क्रीन पे नजर आने लग जाएंगे। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि वास्तु की क्या इम्पोर्टेंस है डेली लाइफ में हम सबके बीच में। और इसके साथ साथ ये भी चीज है कि मतलब क्यों जरूरी है, कई बार हम सोचते हैं कि या हेलो रचना, तो रचना मैं अभी यही बता रही थी सबको कि जो वास्तु है बेसिकली तो हमारे इंडियन कल्चर का बहुत ही पुराना हिस्सा है, लेकिन बीच में मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा टाइम के लिए हम भूल गए थे, लेकिन अब इधर बहुत ज्यादा चर्चा में है और हम सब चाहते हैं कि हमारा जो ऑफिस है, ऑफिस की टेबल है, लैपटॉप है या घर है, वो सब वास्तु के हिसाब से हो और हम सबका मकसद एक ही होता है, तरक्की करना, आगे बढ़ना। तो ये एक्चुअली में जो वास्तु है क्या, पहले तो मुझे यही बताओ। देखिए वास्तु अगर हम वैसे भी देखना चाहें तो वास्तु में दो शब्द आपको दिखाई देंगे, एक वास और एक वस्तु। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जब हम कहीं पे रहते हैं, हम चाहे फिर वहां हम निवास कर रहे हैं या फिर हम वास कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, वेदर वी आर वर्किंग देयर और वी आर लिविंग देयर। दूसरा वस्तु जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सब वास्तु का ही पार्ट है। सो ये वास्तु इस तरीके से काम करता है कि हमारे अंदर फाइव एलिमेंट्स है, हमारी सराउंडिंग्स में फाइव एलिमेंट्स है, तो उनको हम बैलेंस करने का काम एक वास्तु के थ्रू कर सकते हैं। वास्तु वही होता है कि जब हम अपने सराउंडिंग्स को अपने से मैच करें। हमारी सोच बहुत इम्पैक्ट करती है जब हमारे घर का वास्तु इम्बैलेंस होता है, एज वेल एज जब बैलेंस भी होता है। तो ये जो फर्क है, जो हमें रहता है एक लिविंग बींग वहां पर, उसको वो फील ऑटोमेटिकली होता है। आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो सब चीजें चल रही होती हैं जो आप देखते हैं, जो आप नहीं भी देख रहे होता, वो सब आपके लाइफ में उस चीज का बड़ा प्रभाव देखा जाता है। तो उसी चीज को बैलेंस करने का काम एक वास्तु करता है। ओके, तो जब हमारा घर होता है तो हम चीजें टेबल अपने हिसाब से सजाते हैं और अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से उसको रखते हैं, तो क्या हम सबको एक वास्तु एनालिसिस्ट होता है, जो वास्तु एक्सपर्ट है, उसकी सच में जरूरत पड़ती है? देखिए ये बिल्कुल पड़ती है। और अगर आपने देखा हो तो आजकल ये सब चीजों के बारे में लोग बहुत बात भी कर रहे हैं। उसके लिए मैं बोलना चाहूंगी, एक तो सोशल मीडिया डेफिनेटली बहुत ज्यादा जो वास्तु को आगे लेके आने में अवेयरनेस के लिए सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। और इसके लिए जो कारण है कि क्यों हम इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले के घर जिस तरीके से बनते थे और आज के जो बनते हैं उनमें बहुत फर्क देखा जाता है। एज वेल एज पहले बहुत खुली जगह हुआ करती थी, पेड़ पौधे बहुत होते थे, आजकल थोड़ा कंजस्टेड हो गया है, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ गए हैं, तो इसीलिए रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, फ्लैट्स बढ़ गए हैं, मल्टी स्टोरीड का ज्यादा हो गया है। फिर आपका एक जैसे कहते हैं कि आपका हाईलाइटेड वॉल्स का एक फैशन चला बीच में, तो हाँ। वो अभी भी है इनफैक्ट। तो ये जब छोटी छोटी चीजें आपके घरों में आती हैं, चाहे फिर वो किसी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, किसी पेंट या कलर के फॉर्म में है, तो वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन हम एक लेमैन को जाके हर एक को बता नहीं सकते और जाने अनजाने वो कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे एक हाईलाइटेड वॉल का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मुझे लगता है कि देना चाहिए मुझे, क्योंकि सपोज हमने एक येलो वॉल कर दी और वो येलो वॉल हमारी नॉर्थ डायरेक्शन में आ गई, विच इज अ कम्प्लीटली एंटी कलर फॉर दैट डायरेक्शन, तो वो उसका बहुत नेगेटिव प्रभाव आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपके करियर, आपके फाइनेंसिस पे उसका पड़ सकता है। तो कौन सी वॉल आपको डेफिनेटली आप हाईलाइट रख सकते हैं, बट वो उस जोन का कलर हो तो वो आपको उल्टा ग्रोथ देगा, वो उसके लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उसको हम इस तरीके से जानते हैं, देखते हैं। इसीलिए वास्तु कंसल्टेशन मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है आज के लिए, क्योंकि जैसे मॉड्यूलर किचन का भी काफी लोग प्रेफर करते हैं, मॉड्यूलर किचन होना चाहिए, तो वहां पर फिर आपका पेंट कई बार रेड कलर का देखा जाता है, एंड नाउ तो आई हैव इवन सीन द यू नो ब्लैक एंड ग्रे कलर। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द कलर, द ओनली थिंग इज कि वो किस डायरेक्शन में कलर आ गया है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि किस डायरेक्शन में आप कौन से कलर को यूज कर रहे हैं, कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट्स को भी आप यूज करते हैं,
इवन शो पीसेस मैटर्स अ लॉट, जो हम सजाते हैं। जो हम सजाते हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में है या वो लेट्स से ट्रायंगल है, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा काम करेगा जब वो आपके लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन या साउथ साउथ ईस्ट या इस तरीके के डायरेक्शन में रहेगा। फिर आप अगर जैसे ब्लू कलर के कुछ आप ऑब्जेक्ट्स रखना चाहते हैं तो वो बेटर आपके लिए काम करते हैं जब आप वो नॉर्थ डायरेक्शन में रखें उसे। तो ये कलर के हिसाब से एज वेल एज शेप, स्क्वायर शेप का अपना मतलब है, वेवी शेप का अपना मतलब है, एवरीथिंग इम्पैक्ट्स ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। जो पीपल, जो भी लोग वहां पर रह रहे हैं वो किस टाइप के काम से जुड़े हैं उस पे भी उस चीज का बहुत बड़ा प्रभाव देखा गया है। ओके, तो जब हम किसी जो हमारी सोसाइटी में, भारतीय समाज में देखा जाए तो बहुत सारी क्लास है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। तो किस तरह के लोग आपके पास ज्यादा आते हैं, जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, वो कौन लोग ज्यादा होते हैं? वो मोस्टली तो देखिए मिडिल क्लास हैं, उसमें ये है कि जैसे स्मॉल बिजनेस हाउसेस भी हैं उनके, एंड पीपल हु आर लाइक दीस डे तो दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, सो दे हैव टू हैव देयर ऑफिस इन द हाउस, सो हाउ इट शुड बी, वो उनके लिए एक बड़ा बड़ी चीज है। जहां पर हम एक स्तर की बात करते हैं सो डेफिनेटली मिडिल क्लास के लोग हैं, तो वो ज्यादातर आप देख सकते हैं कि मतलब 60 to 70% मिडिल क्लास के लोग ही आते हैं, क्योंकि बहुत थिन लाइन हो जाती है एक्चुअली। फिर मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल क्लास है, देन अपर मिडिल क्लास है, तो क्लास से ज्यादा एक्चुअली वो फर्क सिर्फ अपनी सोच का है कि किसको नॉलेज है, कौन किस तरह की जिंदगी चाहता है अपने लिए, तो वो ही लोग सिर्फ आते हैं। ओके, तो क्या कभी ऐसा क्लैश भी होता है कि मैं कहूं कि मुझे ये टेबल यहाँ अच्छी लगती है मैम, आपको कि नहीं ये वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं है? तो कई बार हम जो क्लाइंट होते हैं वो कन्विंस नहीं होते होंगे, क्या कई बार ऐसा भी सिचुएशन आती है जब क्लैश होता है? देखिए क्लैश का एक्चुअली नहीं होने देते हैं, कोशिश यही रहती है ऐसा क्लैश नहीं, क्योंकि जब तक आप उन्हें रीजन नहीं देंगे कि ऐसा ये टेबल यहाँ पर है तो वो क्यों है, या फिर यहाँ नहीं रखना है तो क्यों नहीं रखना है, टिल द टाइम यू गिव देम द लॉजिक, दे समटाइम्स दे से कि नहीं ये तो अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, एक तो वो चीज आती है। जब आप उन्हें डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो वो उनको खुद को लगता है कि यस इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे है या इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है। यू नो व्हाट रिजल्ट दे वांट, अगर उनको ग्रोथ चाहिए और जस्ट बिकॉज ऑफ वन ऑब्जेक्ट दैट ग्रोथ इज स्टक स्टक, सो डेफिनेटली दे हैव टू मेक अ चॉइस कि उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो समझ जाते हैं, इसलिए ऐसा कोई खास क्लैश आता नहीं है। दूसरी चीज, कई बार जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से यू हैव अ प्लेस फॉर वॉशिंग मशीन, अब वो प्लेस वॉशिंग मशीन के लिए आपको वहीं पे दी गई है कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, और उसको जब हम कर रहे हैं तो उसकी जोन के हिसाब से कंपैटिबल है कि नहीं, वो देखना दूसरी चीज है। तो वहां पर हमारा और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो काम करे वो मशीन वहीं पे रह के, लेकिन उसके बैड इफेक्ट को हम खत्म कर दें, वो बैड इफेक्ट देना बंद कर दे, तो उस टाइप की रेमेडीज भी वास्तु में बहुत अवेलेबल रहती हैं। तो इसीलिए अभी आपने पीछे सुना होगा, बहुत पहले लोग बहुत तोड़ा फोड़ी कर देते थे वास्तु के नाम पे, ये दीवार हटा दो, ये घर तोड़ दो, ये कमरा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, या इधर कमरा बना लो, तो ये सब चीजें बहुत होती थी जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती थी, लेकिन एक्चुअली ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। विदाउट डिमोलिशिंग द हाउस यू कैन मेक सो मेनी करेक्शन एंड चेंजेस इन योर हाउस, और जैसे ही आप चेंज करते हैं विद इन सम टाइम इट हैज बीन सीन कि 24 घंटे में लोगों को रिजल्ट आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी ओके, चीज है कि हम क्या ऑब्जेक्ट रखते हैं, किस कलर का रखते हैं, कौन सी जगह पे रखते हैं, तो इस तरीके से ये काम करता है। अच्छा, तो जब जब जैसे मान लीजिए मुझे अपने घर का वास्तु कराना है या ऑफिस का वास्तु कराना है, तो व्हाट इज द राइट टाइम मैं किसी वास्तु एक्सपर्ट के पास जाऊं? क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम सब कुछ कर लेते हैं, सजा लेते हैं, और फिर हमें लगता है कि कुछ मजा नहीं आ रहा, या फिर लगता है कि जिस काम के लिए हमने शुरू किया था वो ग्रोथ तो हो ही नहीं रही, क्योंकि डॉक्टर के पास हम तभी जाते हैं जब हमें तकलीफ होती है, तो वास्तु बिल्कुल एक्सपर्ट के पास भी हम जब सब कुछ हो चुका होता है हम तभी जाते हैं। मतलब ऐसा मैं होंगी तो मैं ऐसे ही करूंगी कि पहले अपना सजा लूं। तो व्हाट इज द राइट टाइम जब हमें वास्तु से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, एक तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप नया, आप रेंटेड फ्लैट में और आप दूसरे घर में मूव कर रहे हैं, सो वो मूव करने से पहले ही अगर आप कोई कंसल्टेशन ले सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है आप किसी अपार्टमेंट में जा रहे हैं वहां का ऑलरेडी मैप आपके पास होता है, सो यू कैन कंसल्ट एनी वास्तु एक्सपर्ट टू यू नो हैव अ लुक ऑन द मैप विजिट विद इट्स फाइन और नॉट डायरेक्शन वाइज, फिर अंदर के इंटीरियर के डेफिनेटली वो गाइड कर सकते हैं, एक ये चीज होती है।
फिर जब आप अगर अपना कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली फिर तो आप जितना शुरू से जुड़ सके वास्तु कंसल्टेंट से उतना आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि जितना आप देरी से जुड़ेंगे उतने ही फिर वो रेमेडीज करना पड़ेगा, उतना ही आप प्रॉब्लम ऑलरेडी फील कर चुके होंगे, गो थ्रू कर चुके होंगे. सो वाई टू डू दैट इफ यू हैव अवेयरनेस दैट दिस यू नो समबडी हु कैन हेल्प यू टू हैव अ यू नो पीसफुल लाइफ एंड हैप्पी लाइफ, प्रोस्पेरिटी वाली लाइफ, तो फिर इतनी सब चीजों में हमें क्यों आना है. लेकिन एक और चीज देखी जाती है इंदु, कई बार हमें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन टिल द टाइम एक्चुअली फेस एनी प्रॉब्लम हमें ये भी देखा देखना जाता है कि जैसे लैंड है वो पॉजिटिव लैंड रहा या वो नेगेटिव लैंड रहा, जब आपको प्रॉब्लम्स आए डेफिनेटली आप तब तो जाएंगे ही जाएंगे, मतलब दैट इज अ मैंडेटरी टाइम, तब तो आपको जाना ही चाहिए. लेकिन आप जितना जल्दी जुड़ सके किसी वास्तु कंसल्टेंट से आपको डेफिनेटली जुड़ना चाहिए. ओके तो वैसे तो गारंटी वारंटी की कोई उम्मीद हम किसी भी चीज की नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज की सर्विसेज लेते हैं, पैसे देते हैं, तो फिर हमें लगता है कि नहीं ये तो अब ठीक हो जाना चाहिए. तो क्या इस तरह की भी चीजें आपके सामने कभी आती हैं कि बोला गया हो कि आपने तो कहा था ठीक हो जाएगा, अब देखिए हमने तो टेबल का वो साइज भी चेंज कर दिया, साइड भी चेंज कर दिया, लेकिन अभी तक तो कुछ पता ही नहीं चला. तो ऐसे में किसी क्लाइंट को किस तरह से आप लोग संभालते हो या कंसोल करते हो कि होगा होगा, कैसे करते हो? देखिए पहले तो वैसे थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस ऐसी सिचुएशन अभी तक आई नहीं है कि हमने कुछ काम किया और वो रिजल्ट नहीं मिला हो. ये हो सकता है कहीं कहीं पे कि आपने काम पूरा किया और 100% की जगह आपको 90% रिजल्ट मिल गया, जो कि मेरे को लगता है कि वो भी बहुत अचीवमेंट ही है. तो थैंकफुली क्योंकि इट्स अ प्रूवन साइंस, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि आपने कुछ किया और वो आपको बेटर रिजल्ट्स ना दे. पर एक जो चीज होती है जैसे कि टाइम क्यों लगा, तो हम क्या करते हैं जैसे व्हेन आई डील विद माय क्लाइंट्स तो उनके घर में जाकर एक दो बार विजिट करने के बाद वी डू द रेमेडीज, और कुछ टाइम बाद जैसे आई गिव सम फॉलो अप्स आल्सो एंड आई वांट देम टू बी इन टच विद मी, सो दैट कई बार क्या होता है किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया, आपने कोई ऑब्जेक्ट वहां प्लेस कर दिया, कोई गिफ्ट आइटम वहां पे प्लेस कर दिया, आपने अपनी अपहोल्स्ट्री आपने चेंज कर दी, किस कलर में करी, सो बेसिक बैलेंसिंग के बाद टाइम टू टाइम उनके साथ जुड़े रहने में ये फायदा उनको भी होता है कि जब भी वो कुछ नया जैसे आई दे शेयर द वीडियो विद मी कि ठीक है अभी हमारा जैसे 15 दिन निकल गए हैं, महीना निकल गया, दिस इज द हाउस नाउ इट इज लुकिंग लाइक दिस, तो वहीं से देख के पता चल जाता है ये कुशन यहाँ से उठा दो या यहाँ पे इसकी जगह ये वाला शोपीस रख दो. तो इस तरीके के चेंजेस हम टाइम टू टाइम उनको बताते रहते हैं, तो इसलिए वो प्रॉब्लम्स आती नहीं है कि जो सोचा हो वो नहीं हुआ हो. लेकिन उसके कारण डेफिनेटली हो सकते हैं कि हम तो वहां से वास्तु करके आ गए, बाद में क्लाइंट ने कुछ चेंजेस अपनी मर्जी से कर दिए, ऐसा भी होता है. लेकिन क्योंकि हम उनसे जुड़े रहते हैं तो उनके सोल्यूशन भी तभी के तभी हो जाते हैं. तो ऐसा नहीं होता कि अभी तक तो नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई. अच्छा, जो ये जैसे ये तो चलो वास्तु की बात हो गई, पर जब जैसे अभी पेंडेमिक आया है, कोरोना टाइम आया है, तो क्या कोई महामारी भी इन सब चीजों को असर करती है, या इसको भी आप लोग कभी कंसीडर करते हो कि टाइम खराब है अभी ये मत करो, इसको किस तरह से लेते हैं? बिकॉज पेंडेमिक ने हमारी जिंदगी के हर छोटी छोटी चीज को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया है, तो यहाँ पे उसको कैसे लिया जा रहा है? देखिए महामारी एक अलग ही सब्जेक्ट है एक्चुअली, तो उस वो हुआ वो आई उसमें मुझे लगता है एक तो है कि एक एक्टिविटी हो रही है, एक एक्शन हो रहा है कहीं पे, उसको रिएक्ट जब हम करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगर आपके घर का वास्तु ठीक है तो उस केस में आप उस महामारी से शायद उस तरीके से नहीं घबराएंगे या वैसे आप उसको रिएक्ट नहीं करेंगे जैसे एक नॉर्मल इंसान करता है. जैसे ऑलरेडी आपके घर की एनर्जीज बहुत स्टक्ड है या नेगेटिव एनर्जी वाला हाउस है या कोई कॉर्नर ऐसा है जो कि सही वाइब्रेशन नहीं दे रहा है, तो वहां पे आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको डर लग सकता है, आप उस महामारी से बहुत डर के रह सकते हैं. लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आपके हाउस में बहुत सारी चीजें बैलेंस्ड हैं, जहां पे कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो लेकिन आप अपने अपने ईष्ट ईष्ट से आप जुड़े, अपनी आध्यात्मवाद से आप जुड़े, तो वो आपको एक अलग स्ट्रेंथ देता है. एज वेल एज आप जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, आप जो देख रहे हैं आप उस पर कितना ध्यान देते हैं, ये सब चीजें इंडिविजुअली एक्चुअली डिसाइड करनी पड़ती है. तो उसमें वास्तु ऐसे महामारी को लेके नहीं इस तरीके से कुछ चीजें प्रेडिक्ट की ऐसा जा कुछ नहीं सकती, है. नहीं. ओके लेकिन ये जरूर तो होता है कि अगर क्लाइंट इज यू नो गेटिंग टू रेस्टलेस अबाउट इट,
बहुत एंग्जाइटी है तो उसके ट्रीटमेंट डेफिनेटली दिए जाते हैं, जैसे कि आई एम अ वास्तु एक्सपर्ट एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट एज वेल एज आई एम अ स्विचवर्ड एक्सपर्ट ऑल्सो, सो आई गिव देम समटाइम्स एनर्जी सर्कल्स एंड सम चैंटिंग्स टू से इफ दे आर फीलिंग अनईजी, इफ दे आर गेटिंग एंग्शियस, तो उस चीज को काम डाउन करने के लिए वी हैव डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज से आई टेक हेल्प एंड देन आई सजेस्ट देम वॉट दे कैन डू एंड उसके भी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, तो बस अच्छा है. अब अभी जैसे बहुत लोग देख रहे हैं, अभी शैलजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो मैं वास्तु एनालिसिस्ट के पास, एक्सपर्ट के पास जाऊं, तो ये डिसीजन मतलब मुझे कब ले जाते हैं, जब वास्तुशास्त्र के वास्तु वालों के पास जाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि क्या मतलब, बिकॉज हम ये सोच के जाते हैं कि ही और शी इज अ डॉक्टर टाइप, हमारे घर का डॉक्टर है, सब ठीक कर देगा, तो हमें जब मैं किसी वास्तु एनालिसिस के पास जा रही हूं तो मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या कहते हो आप? एंड ऑनेस्टली तो आपको कुछ ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब कहते हैं कि अगर एक बीमार है, अगर वो इतना सोच समझ के अपनी बारी के बीमारी के बारे में बताएगा, तो कई बार वो सोचने समझने में आधी चीजें रह जाती हैं. बट वेन यू जस्ट यू नो आर नॉट प्रिपेयर्ड, सो वॉट एवर यू आर फीलिंग, यू जस्ट यू नो टेक दैट होल फीलिंग आउट. सो उससे क्या होता है, उससे हमारी एक्चुअली हमें वो जो एक जाते ही आपने किसी को बोला, किसी ने क्लाइंट ने हमें फोन किया और उसने चार पांच चीजें हमें बता दी दैट ओके यू नो हेल्थ भी ठीक नहीं चल रहा है, ये भी चल रहा है, अभी इस घर में आए थे अभी ये हो गया, सो वी हैव टू एक्चुअली यू नो कैच दीज वर्ड्स, क्योंकि यही प्रॉब्लम होती है. अगर हम क्लाइंट को पहले बोल देंगे, क्लाइंट इतना प्रिपेयर होकर आएगा कि मुझे तो ये भी पूछना है, ये भी टिक मार्क है, डेफिनेटली वो कर सकता है. लेकिन मेरा ये सजेशन रहता है, आप जैसे रह रहे हो, जो भी आप फील कर रहे हो, अपनी भाषा में किसी भी तरीके से आप बस जाके सब उगल दो, उड़ेल दो. बाकी फिर वो वास्तु एक्सपर्ट का काम है कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को समझ के कहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि ये जरूर होता है. जैसे डॉक्टर का आपने एक एग्जाम्पल दिया कि हमारे यू नो सर में दर्द है, ये एक बीमारी है, लेकिन वो सर में दर्द क्यों है ये काम डॉक्टर करता है. सिमिलरली मेरे पास अगर कोई आता है और वो बोलता है कि बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, तो बिजनेस ठीक नहीं चलने के भी बहुत सारे रीजंस है और बहुत सारे जोन्स उसके लिए काम करते हैं, तो दैट आई हैव टू फाइंड आउट कि उनके लिए बिजनेस क्यों काम नहीं कर रहा है. उनसे वो और एक दो बात बताएंगे कि अभी तक ठीक था, अब प्रॉब्लम आई है, तो वहां पर एक सोल्यूशन भी है प्रॉब्लम के साथ साथ, कि अभी तक ठीक था इसका मतलब रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो फिर मैं आगे उनसे पूछ सकती हूँ, वो भी मुझे बता सकते हो. तो एक्चुअली आपको तैयार होके जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, आप बिल्कुल बेधड़क होके जाइए, आपको जो बोलना है आप बोलिए उनसे. अच्छा, एक टाइम ऐसा भी था, मुझे याद है, जैसे मैं कभी गांव जाती थी तो हमारी जो घर के बुजुर्ग है, दादी नानी, तो वो कहती थी नहीं, वो घड़ा इस साइड रखो, या फिर खान पूजा पूरब की साइड बैठ के करो, या ऐसे मत सो, ऐसे नहीं करो, तो वो चीजें कई बार ऐसा लगता है कि शायद ज्वाइंट फैमिली तो अब इतनी रही नहीं, छोटी छोटी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें बताने वाले भी अब नहीं रहे हैं, तो क्या वो दौर, वो वास्तु ही था जो हम लोगों को बताया जाता था, ऐसे नहीं सोना है, ऐसे सोना है, पूरब की तरफ बिल्कुल पूजा करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी हद तक वो एक तरीके का वास्तु ही था. जैसे कहते थे झाड़ू आप यहाँ नहीं रखो, सामने दिखाई दे रहा है, यू नो कूड़े का डब्बा सामने क्यों रखा है, तो कुछ चीजों को कैसे छुपा के रखना है, कहाँ पे कौन सी चीज रहेगी, या रसोई घर में क्या, क्योंकि उस टाइम पे तो खैर माइक्रोवेव ओवन टाइप की चीजें नहीं होती थी, तो सिंपल गैस चूल्हा होता था या स्टोव होता था पुराने टाइप में देखो, और गाँव में देखो तो चूल्हे होते हैं और वो उस घर से बाहर निकल के होते हैं. और अगर आप टॉयलेट की भी बात करें, तो वहां पे कभी भी आपको वो, जैसे आज के टाइम में हम अर्बन फैमिली अर्बन एनवायरमेंट में देखते हैं अटैच बाथरूम का बहुत जरूरत लगती है, बट वहां ऐसा नहीं था. तो बहुत सी चीजें तो वही नेगेटिविटी होने से पहले ही यू नो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पर वो चीजें एंटी कलर नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो लेप लीप रहे हैं. अब वो लेप किससे हो रहा है, वो मिट्टी से हो रहा है, तो एंटी कलर होने का कोई वहां पे चांस नहीं होता था. तो बहुत सारी चीजें, जैसे शाम के समय आप दिया जलाओ या शाम के समय आप झाड़ू नहीं लगाओ, तो हर चीज का कोई मतलब था. ये सभी चीजें हम आज के डेट में भूल गए हैं, या फिर ये बोलो कि उनकी इंपॉर्टेंस नहीं रही है, या जैसे अभी आपने बोला कि न्यूक्लियर फैमिलीज है तो कोई बताने वाला भी नहीं है, तो ये सब चीजें हो रही हैं, इसीलिए प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं. जितना हम अपनी लाइफ को थोड़ा सिंपल रखेंगे, चीजों को साफ सुथरा रखेंगे, अनक्लटर्ड रखेंगे, जैसे पहले जमाने में इतने ऑब्जेक्ट्स नहीं होते थे, इतने शो पीसेस या इतने गैजेट्स नहीं होते थे, यू नो इतने अप्लायंसेस नहीं होते थे, तो लाइफ सिंपल थी. बिल्कुल
ये बिल्कुल सही बात बताई आपने। तो अच्छा, अब एक सवाल जो बड़ा ही, मतलब सब लोग सोचते होंगे कि क्या वास्तु एक्सपर्ट जो होता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है इसका मतलब देखिए, एक्सपेंसिव होना तो ये हर एक के डिपेंड करता है पॉकेट कितनी अलाउ करती है, लेकिन अगर आप अच्छे से डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि रेमेडीज डेफिनेटली आपके बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती हैं। वो आपकी पॉकेट के लिए, आपके अकॉर्डिंग उसको डिजाइन भी किया जाता है बहुत सी जगह पे। जैसे अगर किसी जगह को हमें ब्लॉक करना है तो हम वो पेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, हम टेप भी लगा सकते हैं, हम एंगल्स भी डाल सकते हैं, हम रॉड्स भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आती हैं। अब वो वहां पे एक तो वो क्या एक्सेप्ट करेगा, वो फ्लोर है, वो वॉल है, कौन सा मेटल वहां जाएगा या कौन सी चीज जाएगी, वो डेफिनेटली वास्तु एक्सपर्ट देखेगा, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती। सो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा, लोगों को एक डर रहता है कि नहीं, हम कंसल्ट करेंगे तो बहुत बड़ा खर्चा आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि पहले डिमोलिश करते थे, तो वहां से वो चीज कहीं ना कहीं लोगों के माइंड पे है कि यार ये तो घर तोड़ना पड़ जाएगा, या ये तो बहुत खर्चा बढ़ जाएगा, यहाँ तो विंडो निकालनी पड़ जाएगी या विंडो को बंद करना पड़ जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप नॉर्मल बैलेंसिंग भी कराते हैं, उसी से ही आपको रिजल्ट आने लगते हैं। और आई थिंक सबका भी डिपेंड करता है। फिर डेफिनेटली कोई अच्छा वास्तु एक्सपर्ट है, वो अपने चार्जेस वैसे इंक्रीज कर सकते हैं कंसल्टेशन के, बट रेमेडीज एक्सपेंसिव नहीं होती हैं। एक क्या ये बात चीज। है, वेरी नाइस। तो हम सब घर में बहुत पॉजिटिव फील करें और चीजों को इधर से उधर हटा के, इधर रख के उधर रख के थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर अभी निकलने की जरूरत नहीं है। हालांकि बहुत सारी जगहें अभी खुल गई हैं, लेकिन फिर भी घर में रहें और अपने या आप को सुरक्षित रखें, वो ज्यादा जरूरी है। सी बिल्कुल रचना, बिल्कुल 20 मिनट हो गए हम लोगों को बात करते हुए, 20 मिनट भी नहीं बल्कि 20 मिनट से ज्यादा, और ऐसा लग रहा है कि वास्तु की जो इम्पोर्टेंस है वो एक बार फिर से हम सबकी जिंदगी में आ रही है और उस इम्पोर्टेंस को हमें समझना चाहिए शायद। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हर जगह पे फर्क करती है। इट इज नॉट ओनली कि आपको ये फाइनेंशियल बेनिफिट ही देगी, ये आपके रिलेशनशिप पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आपके रिश्ते कैसे हैं, खासकर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप कैसे हैं, या ओवरऑल फैमिली, फैमिली एनवायरमेंट कैसा है, या कोई गेस्ट आता है उसको कैसे लगता है आपके घर में घुस, अच्छे से आप किस टाइप के होस्ट आप बन पाते हैं, गेस्ट आता है तो उसको कैसा लगता है, वाइब्रेशन कैसे रिसीव करते हैं। तो हर चीज इस तरीके से होनी चाहिए और होती है। तो वास्तु का, जैसे मैंने बोला कि वास और वस्तु दोनों ही मिलके इस तरीके का बैलेंस क्रिएट करते हैं कि आपको वो रहने वाली जगह इतनी अच्छी लगने लगती है कि आप सच में आप वापस आना चाहते हैं काम करने के बाद अपने घर में, जो कि बहुत बार ऐसे भी आता है यार घर जाने का मन नहीं कर रहा, बहुत बार ऐसे सुनने में भी आता था, लेकिन थैंकफुली अब वो सब चीजें जो जो कंसल्ट करते हैं उन्हें इसका इफेक्ट अच्छा दिख रहा है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं। और वास्तु डेफिनेटली कराना चाहिए। आप जितना जल्दी किसी वास्तु कंसल्टेंट के साथ जुड़े वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बाकी तो डेफिनेटली भगवान के हाथ में एक्चुअली सब कुछ है, वो जिससे जिसको जुड़ाना चाहता है जुड़ाता है। वेरी नाइस रचना, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लग रहा है कि शायद आपके साथ और 2-3 सेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि आज तो हमने सिर्फ वास्तु के ऊपर बात की, अभी जी न्यूरोलॉजिस्ट के आप हो और इसके अलावा बहुत सारी खजाना है, तो हम सब उसको फिर से सुनना जरूर चाहेंगे। बिल्कुल, जब भी आपके पास समय हो हम तो हाजिर हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच रचना। थैंक यू सो मच।